चूरू के जयपुर रोड स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अधीक्षण अभियंता में आज भाजपा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि क्षेत्र में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तथा इस मौसम में जहां जल आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए, वहां वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता की वजह से चूरू तहसील के अनेक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे आम जनता जल संकट का सामना कर रही है। वहीं क्षेत्र के किसानों के सामने भी संकट पैदा हो गया है, जिससे चूरू तहसील में प्रशासन के अनुसार 106 गांवों में से 55 गांवों में आपनी योजना के तहत जल की आपूर्ति की जा रही है। वास्तव में प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई गांवों में 15 दिन से जल की आपूर्ति नहीं की गई है। इस दौरान कार्यकर्ता खाली मटके लेकर जलदाय विभाग पहुंचे तथा उन्हें खंडित करते हुए समय पर पानी देने की मांग की। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्राहड़, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा आदि ने धरने को संबोधित किया। मुख्य रूप से हमने धरना दिया है क्योंकि पिछले 3 दिन से 20-20 घंटे 18-18 घंटे की कटौती बिजली की है। डोमेस्टिक कनेक्शन लोगों के हो नहीं रहे हैं, जले हुए ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। हमने आज कल रात को ही कुछ लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए। अब अगर ये नहीं माने बिजली के प्रशासन के लोग, जुड़े हुए लोगों ने, तो हम बेमियादी धरना करेंगे। आज हम पानी के महकमे के SC को दोनों को ज्ञापन देंगे थोड़ी देर बाद में, और उसके बाद अगला पड़ाव की घोषणा हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और फिर एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। ये सरकार जहां मुफ्त बिजली की बात कर रही है, आज बिजली से महरूम है राजस्थान का अधिकांश इलाका। महंगी बिजली खरीद कर फिर सरकार महंगा लोगों से बिजली का बिल की राशि वसूल कर रही है। इस सरकार की नाइंसाफी इतनी हो गई है कि आज आम आदमी त्रस्त हो गया। लगभग 400 से ज्यादा गांव आज पानी से महरूम है। मैंने पहले पत्र लिखकर चेताया था इनको कि रिजर्वायर के अंदर पानी डालें, परंतु ये पूरा प्रशासन नाकाम रहा, और इसलिए आज मैं बिजली और पानी दोनों महकमों के विरुद्ध में सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उसके बाद बेमियादी लड़ाई लड़ेंगे। मैं राजस्थान की विधानसभा का उपनेता भी हूं, एक जिम्मेवारी से जुम्मेवार के तौर पर कह रहा हूं, व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। आप भी किसी किसान परिवार से रहे होंगे, मैं आपके मान के साथ कह रहा हूं, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता, हमारी संस्कृति भी नहीं है, और ये दफ्तर आपके लिए नहीं होगा। बिल्कुल कल ही आपको कहा, आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए, अभी अपने 12 बजे तक यहाँ बैठेंगे, उसके बाद पहले ज्ञापन देंगे, वार्ता करेंगे, आगे की तारीख तय करेंगे, अगला पड़ाव जब कभी भी होगा उस समय सामान लेके आना है 3-4 दिन का, फिर फैसला करके उठेंगे। तो यहाँ से फिर अपने पानी महकमे के अधिकारियों को वहाँ घड़ा फोड़ आंदोलन करेंगे, और यहाँ आज इस SC साहब को एक लालटन भेंट करेंगे। ये अपना कार्यक्रम है। अब मैं निवेदन करूंगा, इस सिलसिले को अपने चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे